हेलो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ भारत के कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ जो कितन कहाँ कहाँ से निकलती है और कहाँ कहाँ गई है। देखिए, यमुना नदी उत्पत्ति इसका जानेंगे तो ये काशी ज़िले में बंदर पुंज यमुनोत्री चोटी से होते हुए ये निकलती है। इसका लंबाई जो है 1375 किलोमीटर है और भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर प्रवाहित होते हुए दिल्ली, आगरा और प्रयागराज में जाकर गंगा में विलीन हो जाती है। और सहायक नदियाँ पुनपुन, चंबल, बेतवा, केन, छोटी सिंध, सेंगर। उसके बाद आते हैं चंबल नदी। इसका उद्गम स्थान जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में कहाँ से निकला है, मालवा के जो पठार है मध्य प्रदेश में, उस पर स्थित माहू नामक स्थान पर जानापाट पहाड़ियों से होता है। चंबल नदी पर तीन बड़े बांध है, एक जवाहरलाल नेहरू बांध, इंदिरा गांधी बांध, राणा प्रताप सागर बांध। और इसकी सहायक नदियाँ जो है सिप्रा है, कुनकुन है, कुनकुन नदी है, सिंध है, ब्राह्मणी है। उसके बाद आते हैं सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल की जो पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से होती है। और मध्य प्रदेश और बिहार में प्रवाहित होते हुए बिहार के दानापुर में ये विलीन हो जाती है। मध्य प्रदेश से आती है बिहार और बिहार में क्या करते हैं, बिहार में पटना से केवल दानापुर में ये विलीन हो जाती है। उसके बाद इस पर जो पुल है वो रेल पुल सह सड़क है, डेहरी आन सुन है, नहर है ये। उसके बाद आते हैं देखिए बेतवा नदी। उद्गम स्थल कहाँ है, मध्य प्रदेश के महादेव की जो पहाड़ियाँ है, महादेव की पहाड़ियों में बैतूल झील से होता है। मध्य प्रदेश में जो महादेव की जो पहाड़ियाँ है उस पर बैतूल झील है, बैतूल झील में से इसका मतलब उद्गम ओरिजिन है इसका, बेतवा नदी का। उसके बाद आता है बांध। इस पर है माता टील, रानी लक्ष्मीबाई। लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। यह बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊँची नदी है। यह हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। किनारे पर शहर भोपाल है, विदिशा है। और इसके बाद नेक्स्ट आते हैं देखिए लूनी नदी। उद्गम स्थान इसका है अरावली पर्वत के निकट अन्ना सागर से। यह एक मौसमी नदी है। सहायक नदी इसका जोबाई, सुकरी, जोजारी। लंबाई लगभग इसका है 495 किलोमीटर। अंत में कच्छ के रण में गिर जाती है। उसके बाद आते हैं नर्मदा नदी। उद्गम इसका स्थान है अमरकंटक चोटी से निकलती है। कहाँ है अमरकंटक चोटी, मध्य प्रदेश में। ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी का मतलब जो बड़े बड़े जहाँ पे पानी इकट्ठे होकर के अपने से धरती फट जाते हैं और वहाँ पे अपना एक अस्थायी रूप एक नदी जैसा एक झील ओल या पोखरन जैसे बना लेता है, उसी को भ्रंश घाटी कहते हैं। लंबाई इसका 1312 किलोमीटर। बांध देखिए, इस पर बांध कौन कौन है, सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर, ओमकेश्वर, महेश्वरी बांध। उसके नेक्स्ट आते हैं कि इसके किनारे जो बसा हुआ शहर है, जबलपुर है, होशंगाबाद है, भरूच है। इसकी सहायक नदियाँ की बात करें तो तवा, कुंदी, देव, शक्कर, चंदकेसर, बरना, हिरन, मान, उट्टी। उसके बाद आते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई से निकलती है ताप्ती नदी। इसकी लंबाई की बात करें तो 740 किलोमीटर है। सूरत बंदरगाह इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ, जो सूरत जो बंदरगाह है इसी नदी के किनारे पर स्थित है। उसके बाद सहायक नदियाँ जो है अरुणावती है नदी, उसके बाद बांध नदी, उमा नदी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बांध। इस पर हथनूर बांध, उकई बांध, दो बांध है इस पर। इसके किनारे जो बसा हुआ शहर है बैतूल, बुरहानपुर, सूरत, सोनगढ़, ये सब जितने भी शहर है ये ताप्ती नदी के किनारे बसे हुए हैं। उसके बाद आते हैं गुजरात में रज्जू सेती इसी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट माही नदी। माही नदी की बात करें तो इसका जो ओरिजिन है हिमाचल पर्वत श्रेणी से धार जिले से निकलती है। ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। लंबाई किसकी बात करें तो 472 किलोमीटर है। और इस पर जो बांध है माही बजाज सागर कडान बांध। ये कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। उसके बाद आते हैं भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। ये भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, माही नदी। आइए साबरमती में बात करें साबरमती नदी की, तो उसके बाद उद्गम इसका जो ओरिजिन पॉइंट है उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमालाओं से होती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 371 किलोमीटर है। खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। प्रमुख शहर की बात करते हैं तो अहमदाबाद, गांधीनगर। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं सेई, वाकल, हतमती, खारी, मोहर, हरनाव। उसके बाद आइए महानंदा। इसका ओरिजिन पॉइंट जो है हिमालय
पगला झोरा नामक एक जगह है, वहाँ से इसका ओरिजिन पॉइंट है। और इसका लेंथ की बात करें तो 360 किलोमीटर है, बांग्लादेश में जाकर गंगा में मिल जाती है। आते हैं इसकी सहायक नदियाँ पर, मोची नदी, नागर नदी, कनकई नदी। नेक्स्ट आते हैं, देखिए महानदी कहाँ है, महानंदा रिवर जो है पगला रिवर और गंगा वेस्ट बंगाल में, किसको वेस्ट बंगाल में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट में दामोदर नदी की बात करें, इसका ओरिजिन जो पॉइंट है झारखंड के छोटा नागपुर पठार से ये निकलती है। और इसकी जो लंबाई की बात करें तो 368 मीटर है इसका। इसे बंगाल के अभिशाप के रूप में भी जाना जाता है। देखिए दामोदर नदी को बंगाल के अभिशाप के रूप में भी जाना जाता है। सहायक नदियाँ जो है कुन्नर और ब्राकर है। नेक्स्ट है बांध इस पर कौन कौन से, तलैया, कौनार, मैथुन, पंचेत, इस पर ये एक वैली भी है, दामोदर वैली। अंत में यह हुगली नदी में मिल जाती है। द्वितीय सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी यही है, कौन सा नदी है, दामोदर नदी। नेक्स्ट आते हैं स्वर्ण रेखा, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, सोर्स है इसका छोटा नागपुर पठार नगरी गांव में चुगा नामक स्थान से है। इस पर गोल्डन बिंदु भी पाए जाते हैं, गोल्डन बिंदु पाए जाते हैं। कुल लंबाई 474 किलोमीटर। सहायक नदियों की बात करें तो कांची का कारी है, भारत का पहला इस्पात कारखाना जो आया वो टिस्को इसी नदी के किनारे स्थित है, स्वर्ण रेखा के किनारे स्थित है। किनारे बसे शहर जमशेदपुर। गोदावरी नदी की बात करें, इसका ओरिजिन पॉइंट है महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्र्यंबकेश्वर नामक जगह से निकलती है। भारत की दूसरी तथा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, कौन, गोदावरी। थसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर है। और बांध इस पर पोलावरा पंचम। उसके बाद आते हैं सहायक नदियाँ, प्रमाणित पेन गंगा इंद्रावती मंजीरा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए गोदावरी नदी कहाँ से, नर्मदा और महान नदी ताप्ती, कृष्णा और गौरी के बीच में गोदावरी नदी है। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसका जो लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर है। आइए नेक्स्ट में आते हैं, इसकी कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होगेंकल जलप्रपात और कर्नाटक राज्य में भारचुक्की बालमुरी जलप्रपात अवस्थित है। इसी नदी पर, गोदावरी नदी पर कल्ला नई बांध, अमरावती बांध, कृष्णा राजा सागर, मेटूर, इस पर ये बांध है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट, कृष्णा नदी, स्रोत इसका जाने तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से है। लंबाई इसका एक बात करें 1400 किलोमीटर है। और इसकी जो सहायक नदी है, तुंगभद्रा है, घाट प्रथा है, मूसी है, भीमा है, भाल प्रथा है। शहर की तो बात करें तो विजयवाड़ा, तुंगभद्रा बांध, और बांध इस पर कौन कौन है, नागार्जुन सागर बांध, श्री झेलम। झेलम कहाँ, झेलम किस नदी के किनारे है, किस नदी, सॉरी झेलम के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, जम्मू कश्मीर। आइए आर विद्यासागर राय सिंचाई परियोजना कोयल सागर बांध भी है। आते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू, इतना ही था बस, इसके बाद आगे बनाऊँगा, उसके बाद दूँगा आपको। थैंक यू।